महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां स्कंद माते शत्रुनां भय वर्धिनी। आप सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्र के पांचवें दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता की। नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा अवतार है। स्कंद माता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद तथा माता। स्कंद का अर्थ है कार्तिकेय, जो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, और इस प्रकार स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। स्कंद माता रूप में देवी दुर्गा की चार भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में उन्होंने कमल पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ से वह भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल पर विराजमान है, जिस कारण उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कार्तिकेय को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और उसकी आयु में वृद्धि होती है। स्कंद माता की आराधना करने से 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। स्कंद माता की एक बड़ी ही रोचक कथा है, आइए शुरू करते हैं। ओम देवी स्कंद माताये नमः। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद शिव शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसका वध कर सकती है, बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, लेकिन विष्णु जी ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप सब स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु जी उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित रूप से सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया, ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर शिव भगवान ने उन्हें 12,00,000 श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर
उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद प्रदान किया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर को एक भयंकर युद्ध में मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की प्रार्थना। सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्कंद माता की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मा स्कंद माता का ध्यान। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम, सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनीम, धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम, अभय पद्म युगम करा दक्षिण उरु पुत्र धराम भजेम, पटांबर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम, मंजीर हार के युर किंकिणी रत्न कुंडल धारिणीम, प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलाम पीन पयोधराम, कमनीयाम लावण्याम चारु त्रिवली नितंबनीम। मां स्कंद माता का स्रोत। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीम, समग्र तत्व सागरम पार पार घराम, शिवा प्रभा समुज्वला सफुच्छ शाग शेखराम, ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीप्ति भास्कराम, महेंद्र कश्यपार्चिताम सनत कुमार संस्तुताम, सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाब्दुताम, अत्कर्य रोचि रुविजाम विकार दोष वर्जिताम, मुमुक्षुभिर विचिंतिताम विशेष तत्व मुचिताम, नानालंकार भूषिताम ऋगेंद्र वाहनाग्रजाम, सुशुद्ध तत्व तोषणा त्रिदेव मार भूषणाम, सुधार्मिकोपकारिणी सुरेंद्र वैरी घातिनीम, शुभाम पुष्प मालिनीम सुवर्ण कल्प शाखिनीम, तमो अंधकार यामिनीम शिव स्वभाव कामिनीम, सहस्र सूर्य राजिकाम धनज्योग्रकारिकाम, सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंद मज्जुलाम, प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीम, स्वकर्म कारणे गतिम हरि प्रयाच पार्वतीम, अनंत शक्ति कांतिदा यशो अर्थ भुक्ति मुक्तिदाम, पुनः पुनर्जगधीताम नमाम्यहम सुरार्चिताम, जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि माम। स्कंद माता का कवच। एम बिजालिंका देवी पदयुग्म धरा परा, हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेयुता, श्री ह्रीं हूँ ए देवी पर्वस्य पातु सर्वदा, सर्वांग मे सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदा, वाण वाणामृते हूँ फट बीज समन्विता, उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नेत्रिते अवतु, इंद्राणी भैरवी चैवासितांगी च संहारिणी, सर्वदा पातु मा देवी चान्यान्यासु हि दिक्षु वै। मां स्कंद माता की आरती। जय हो तेरी स्कंद माता पांचवा नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाती रहूं मैं हर दम तुझको ध्याती रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो,
इंद्र आदि देवता मिल सारे करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए तू ही खंड हाथ उठाए। भक्तों को तू बचाने आई भक्त की आस पुजाने आई। जय मां स्कंद माता, जय मां स्कंद माता। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में मां का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माता की।